जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बड़ी बीमारी घर में आने वाली है, आप सावधान हो जाए। मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके जीवन के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में आप भोलेनाथ का नाम लिखें और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं। दोस्तों, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो क्या बड़ी बीमारी आपके घर में आने वाली है, वो क्या है, क्या चीज़ें हैं, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति बीमारी से लड़ रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि यस, हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमारी से लड़ रहे हैं। बीमारी की कई सारी वजह हो सकती है और कई सारी वजह नहीं भी हो सकती है। सीधी सी बात है कि हम डॉक्टर से यही पूछते हैं कि तब सब ऐसा क्यों होता है, तो उसमें बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब हमें कह देते हैं कि अनियमित दिनचर्या, फर्टिलाइज़र की जो अधिक उपयोग हो रहा है किसानी में, उस वजह से बीमारियाँ हो रही हैं और ना जाने कितनी सारी बातें वो हमसे कर देते हैं। लेकिन रियल जो वजह है, वो मुख्य वजहों में से कुछ वजह हमें ज्योतिष से अकॉर्डिंग जानना चाहिए कि ये भी एक बीमारी की वजह है, जो कि हमें इस वीडियो में पता लगेगी। सबसे पहली और मुख्य बात है कि अपने घर में चाहे कुछ भी हो जाए, जो अनुपयोगी चीज़ें हैं जिनका उपयोग आपके घर में है ही नहीं, उन चीज़ों को आज अभी इसी वक्त घर से बाहर कर दें। क्योंकि अनुपयोगी चीज़ें हमारे घर में नेगेटिव वेव्स पैदा करती हैं। नेगेटिव वेव्स हमारी इच्छा शक्ति को, हमारी दृढ़ शक्ति को, सबको कम करती है और उसकी वजह से रोग हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं। चाहे वो मेंटल रोग हो, चाहे हेल्थ में शारीरिक रोग हो, कोई सा भी रोग हो, वो हावी होने लग जाता है और हम धीरे 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 हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है और हम उस नेगेटिविटी के साथ कई सारी चीज़ें तकलीफ में चले जाती है। डॉक्टर भी ये बात कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, पॉजिटिव सकारात्मक सोच से आपकी इम्यूनिटी, आपका जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो भी प्लस होती है। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है। तो ये सबसे पहली और मुख्य बात अपने जीवन में गांठ बांध लें कि जो भी घर में अनुपयोगी चीज़ें कबाड़ है, जो उपयोग में आता ही नहीं, उसे घर से बाहर कर दें। दूसरा होता है स्वच्छता। अपने घर में हमेशा साफ़ सफाई रखें। बहुत से लोग साफ़ सफाई पसंद नहीं करते हैं, पर आप साफ़ सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि साफ़ सफाई में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता जो होती है उसका वास नहीं होता है। और दरिद्रता अगर आपके घर में आएगी तो कई सारी परेशानी लेकर आएगी, जिसको आप शायद सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। तो दूसरी बात है, अपने घर में साफ़ सफाई रखें, चाहे कुछ भी हो। तीसरी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घर में हमेशा पूजा पाठ, पॉजिटिविटी के जो कार्य है वो करते रहें। जैसे पूजा पाठ करते रहे, गरीबों को भोजन कराते रहे, अन्नदान, कपड़े दान, जो भी हमसे हो पाए उन्हें आप कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि इससे होता ऐसा है कि इससे हमारे घर में सकारात्मकता भी आती है, हम दान भी करते हैं, लोगों का दुआएं लेते हैं और दुआओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इसीलिए आप ये कृत्य, ये काम करते रहें। तो अगर इन तीन चीज़ों को आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में खराब दौर नहीं आएगा, सभी चीज़ें पॉजिटिव होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जय शिव शंभू।